जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपकी आवाज मेरे तक पहुँचनी चाहिए। गणपति बप्पा, एक बार वापस, अभी आवाज नहीं है। मेरे को पता है कि जयपुर वाले में जोश बहुत भयंकर है, तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से गणपति बप्पा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ आपका ये जोश ये बरकरार रहे इसी तरह जितनी भी देर मैं इस मंच पर खड़ा रहूंगा, जितनी भी देर मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है जयपुर वालों का जोश बहुत ही भयंकर है। क्योंकि किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि जैसे हर जीजा को साली पसंद होती है, वैसे हर महफिल को आप लोगों की ताली पसंद होती है। तो मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ खड़े करके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर एक छतरी के नीचे आ रही थी, भयंकर बारिश हो रही थी और मैंने शायद अभी उनको देखा भी है यहाँ पर। तो वो अपनी बेटी का हाथ, उनका कोई परफॉर्मेंस हो गया, तो मैंने सोचा कि माँ के ऊपर ही आज कुछ बोला जाए। तो मैं आप सभी के बीच कुछ अल्फाज रखता हूँ, अगर आपके दिलों तक पहुँच जाए तो आपकी तालियों की गूंज मुझ तक पहुँचनी चाहिए। कि जब माँ होती है तो शायद हमें उसके होने का एहसास नहीं होता, लेकिन माँ अगर नहीं होती तो क्या होता। कि कल सुबह जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, दो घड़ी सांस की ले ले, और इतनी ठंड कोट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सन्नाटा होगा, पलट कर देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़कर देख ली, पहले पन्ने में माँ का भी नाम लिखा था। वो मुझमें तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर एक लकीर बन के दिखा था। मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर और कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरा तो करीबन 2:30 बजे घर लौटता, एक्टर हूँ, शूटिंग में जाना पड़ता है, जूनियर वर्क करता हूँ, बैकग्राउंड में नाचना पड़ता है। तो मेरा तो करीबन 2:30 बजे घर लौटता और जैसे घर पहुंचता तो माँ बोलती कि बेटा कुछ खाकर आए हो या खाना बना दूं। तो मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है और मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसे ही आता है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसे ही आता है और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी करेक्ट टेम्परेचर बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ। लेकिन कौन कौन मानता है कि हम हिंदुस्तानी हैं? अपने दोनों हाथ खड़े करकर। तो हिंदुस्तानियों पर भी कुछ अल्फाज पेश करना चाहूंगा, अगर आपके दिलों तक पहुंच जाए तो आपकी तालियों की गूंज मुझ तक फिर से पहुंचनी चाहिए। कि देखो हमारी ओर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्क्रीन पर। कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम ही थे वो जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, और हम ही थे वो जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे उदलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विधा सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैरते। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, इतने ध्यान से सुना। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन एक बार फिर से दोनों हाथ खड़े करकर उन हिंदुस्तानियों के नाम जो इस समय हमारे बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ खड़े करकर उनके नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।